नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल और दंगल का विशेष एपिसोड आप देख रहे हैं सीधे जोधपुर की अदालत के बाहर से। जोधपुर आज सुर्खियों के केंद्र में रहा क्योंकि सुपरस्टार जेल के अंदर पहुंच चुका है। ना उम्मीदें काम आई, ना आशाएं काम आई, परिवार की दुआओं ने असर नहीं दिखाया, फैंस की शुभकामनाएं फेल हो गई और आखिरकार सलमान खान जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। आज जब हम यहां मौजूद थे, सुबह से जब इस खबर को कवर कर रहे थे, तो लगातार कयासों का दौर चल रहा था कि अदालत का फैसला क्या होगा, राहत मिलेगी या फिर जेल में जाना होगा। और आखिरकार जज ने अपनी फैसले में ये साफ कर दिया कि सलमान खान को 5 साल जेल में बिताने होंगे। इसके साथ ही जुर्माना भी उन पर लगाया गया, लेकिन साथ ही जो आरोपी उनके साथ मौजूद थे यानी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे, इन तमाम लोगों को बरी कर दिया है। सजा सिर्फ सलमान खान को हुई है, लेकिन अब इसमें एक बड़ी बात और ये है कि सलमान खान को आज की रात जेल में बितानी ही होगी क्योंकि उनकी जमानत को लेकर सेशंस कोर्ट में सुनवाई कल होगी। हालांकि कागजात आज ही जमा करा दिए गए हैं, लेकिन इस पर जो भी रुख कोर्ट का होगा उस पर तस्वीर कल साफ होगी। अब जैसे ही ये फैसला सामने आया, क्योंकि 20 साल पुराना एक ऐसा केस जो हुआ सबसे पहले दर्ज था, लेकिन फैसला उसमें सबसे आखिर में आया, और काले हिरण के मामले को लेकर और इससे जुड़े जो दूसरे मामले थे उनमें, जबकि इससे पहले ही 2 केसेस में सलमान हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं, आर्म्स एक्ट में बरी हो चुके हैं, लिहाजा इस केस से सबको बहुत उम्मीद थी कि क्या होगा। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, वो लोग जो वन्य जीव संरक्षण अधिकारों के लिए काम करते हैं बेहद खुश हैं इस फैसले से, लेकिन वहीं बॉलीवुड फ्रेटर्निटी सलमान के साथ अपने आप को खड़ा दिखा रही है, सहानुभूति जता रही है और फैसले से निराश भी है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि दंगल में आज हम सजा के अलग अलग पहलुओं पर विचार करेंगे, और ऐसे में जो सबसे बड़े सवाल सलमान खान की सजा को लेकर उठ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सलमान खान माना सुपरस्टार है, लेकिन सजा उनको एक न्याय प्रक्रिया के तहत मिली है। इसलिए सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल यह है कि सलमान खान की सजा पर आखिर इतनी हाय तौबा क्यों मच रही है। दूसरी बड़ी बात ये, अगर आप दूसरे पक्ष पर गौर करें, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या सलमान खान को सुपरस्टार होने का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, एक अहम सवाल ये भी है। इसके अलावा सुपरस्टार अगर मुजरिम हो तो फिर सजा पर सवाल क्यों हो। चौथा सवाल, सलमान को क्या जमानत मिलने में रियायत बरती जानी चाहिए, क्योंकि उनके लॉयर्स की तरफ से भी उनके अच्छे बर्ताव का, जो सामाजिक काम वो करते हैं, ये तमाम दलीलें दी गई हैं, लेकिन जज इस पर क्या सोचते हैं इस पर फैसला कल आएगा। और दंगल में आज का पांचवा बड़ा सवाल जिसके तहत हमारी ये बहस जिसके केंद्र में होगी, वन्य जीवों के संरक्षण में क्या ये सजा मददगार साबित होगी, क्योंकि सलमान खान को आपने कॉन्विक्ट कर दिया, लेकिन देश में ऐसे और भी बहुत से मामले हैं शिकार को लेकर जिसमें कॉन्विक्शन रेट बहुत कम है, मामले दर्ज बहुत कम होते हैं। तो इन तमाम बातों पर हम विचार करेंगे, लेकिन आज दिन भर में क्या हुआ सबसे पहले उस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड जिसे टाइगर कहता है, वो सलमान खान 2 काले हिरणों के शिकार के मामले में पिंजड़े में पहुंच गए हैं। जोधपुर की सीजीएम अदालत ने सलमान खान को 1998 के इस मामले में 5 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उन्हें जोधपुर के सेंट्रल जेल ले जाया गया। सलमान खान को 5 साल की सजा हुई, लेकिन मामले के सह आरोपियों अभिनेता सैफ अली खान बरी हुए। बरी होने वालों में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी हैं। सलमान खान को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्रामीण श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा जो निर्णय दिया गया, जिसमें सलमान खान को 9/51 वाइल्ड लाइफ के तहत दोषी माना है तथा उसे 5 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माने की राशि से दंडित किया गया। उसके पश्चात क्योंकि अभियुक्त को 3 वर्ष से अधिक का कारावास था, इसलिए उसका वारंट तैयार कर दिया गया। सलमान खान के वकील अब शुक्रवार को जोधपुर के सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी देंगे। सलमान को सजा हुई तो स्थानीय बिश्नोई समाज ने खुशी जताई, लेकिन उनके समर्थकों में मायूसी छा गई। सदमा तो है ही, मुझे भी जब पहले जो जो उनको दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई नहीं गई थी, तभी मुझे बहुत सदमा हुआ। और जो भी है, एक सदमा तो है ही कि भाई, इसलिए कि हम एक सलमान खान को जानते हैं जो कोर्ट नहीं जानती। काले हिरण के शिकार के इस मामले में सलमान ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं। सलमान को पहले भी शिकार के 2 अन्य मामलों में जोधपुर कोर्ट से सजा हो चुकी थी। हालांकि हाईकोर्ट से बरी होने के बाद अब वो दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। शरद कुमार, जोधपुर आज तक। अदालत के फैसले पर आपने ये रिपोर्ट देखी, लेकिन अब बड़ी बात ये, क्योंकि जेल पहुंच चुके हैं सलमान खान, मेडिकल भी उनका वहीं पर किया गया,
अब ऐसे में एक तस्वीर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जेल के डीआईजी के साथ सलमान खान बैठे हैं। कुछ देर पहले आज तक पर ही हमने जेल के डीआईजी का एक छोटा सा इंटरव्यू का हिस्सा भी आपको दिखाया था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि तमाम सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर पुख्ता हैं, क्योंकि एक सुपरस्टार को जब जेल हुई है तो ऐसे में क्योंकि कई लाइफ थ्रेट भी यहाँ पर मिल रहे थे, उसको देखते हुए सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जिस सेल में आसाराम है उसी एरिया में जेल के सलमान खान को भी रखा जाएगा। लेकिन ये तस्वीर भी जो सामने आ रही है ये ध्यान खींचती है। हमारे साथ इस बहस में कई खास मेहमान जुड़ेंगे, हमारे तमाम संवाददाता होंगे अलग अलग जगह से जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ बिश्नोई समाज के लॉयर महिपाल बिश्नोई मौजूद हैं, जिन्होंने बिश्नोई समाज को इस केस में आगे रिप्रेजेंट भी किया। सर, बार बार ये बात हो रही थी कि ये बिश्नोई समाज की एक बहुत बड़ी जीत है, 20 साल लंबी ये लड़ाई रही जिसके बाद आज के दिन का फैसला आया, और ये अपने आप में एक ऐसा केस था जो सबसे पहले दर्ज हुआ था और फैसला जिस पर सबसे आखिर में आया। इस फैसले को क्या आप एक मिसाल यहाँ से मानेंगे कि जो 20 साल लंबी लड़ाई इस समाज की थी वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर, यहाँ से सोसाइटी में वो मैसेज जाएगा? निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसका केस का जो एक कंप्लेंट केस था जिसमें बिश्नोई समाज के द्वारा पूनम चंद छोगा राम, शेरा राम और मांगीलाल के द्वारा कंप्लेंट की गई थी, साथ में अन्य लोग भी इसमें काफ़ी बिश्नोई समाज स्थानीय लोग थे, इनके साथ में वन विभाग की भी टीम थी और इसके साथ में पुलिस भी रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बिश्नोई समाज के साथ में ये जीत निश्चित तौर पे आज वन और पर्यावरण के क्षेत्र में जो सोच रखते हैं उनकी जीत हुई है। और साथ ही साथ मैं ये एक और बता देना चाहता हूँ, आज एक कानून की भी जीत हुई है। आज की इस न्यायपालिका ने ये साबित कर दिया है कि कानून से बढ़कर कोई आदमी नहीं है, क्योंकि न्याय चाहे कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो लेकिन यदि वो दोषी है तो उसे न्यायपालिका निश्चित तौर पे उसे दोषी घोषित करती है और उसे सजा देती है। हमारे साथ इस वक्त सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी साहब भी जुड़ गए हैं। बिश्नोई समाज इससे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है कि आखिरकार सलमान खान जेल के सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आपसे भी इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाने के लिए कहूंगी, जब बात ये होती है कि क्या सिर्फ सलमान खान को सजा दे देने से वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर जो इससे पहले भी मांगे लगातार उठती रही हैं, कन्विक्शन रेट जो शिकार के केस में है या जो वन्य जीवों के अंगों की स्मगलिंग होती है उसको लेकर है, इन तमाम केसेस पर रोक लगेगी, उनके लिए ये इंस्पिरेशन साबित होगा? देखिए, ये जो जजमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और लंबे समय से ये विचाराधीन था, और क्योंकि सलमान खान एक सेलिब्रिटी भी है और उसके लिए लड़ने वाले बहुत हैं, गरीबों के लिए लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और ऐसी हस्ती जो ऐसा डिफेंस है उसके होते हुए भी अगर सजा हुई है तो कानून पर लोगों का विश्वास बढ़ता है ऐसे मामलों से, और इस पर जरूर बहुत अहम बात आपने कही कि कानून पर लोगों का विश्वास बढ़ता है। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले ही इन्हीं मामलों से जुड़े हुए जो बाकी केसेस थे, सलमान हाई कोर्ट से उन मामलों में बरी हुए जबकि लोअर कोर्ट ने उन्हें दोषी उनमें माना था। अब यहां से आगे के भी विकल्प खुले हैं। लेकिन सर, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आऊंगी, जब बात ये होती है कि सलमान खान दोषी करार दे दिए गए, अब वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, आज के फैसले में सबसे बड़ी भूमिका किस आधार की, किस फैक्टर की रही जिसके बाद सलमान को दोषी माना गया, जबकि सबूतों को लेकर और कुछ लूप होल्स जो इन्वेस्टिगेशन में थे वो इस केस में भी थे? निश्चित तौर पे अभी जजमेंट की कॉपी तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अभियोजन अधिकारी भवानी सिंह जी भाटी के द्वारा जो बहस की गई थी, इनके द्वारा ये मुकदमा लड़ा गया जिसमें मैंने भी इनका सहयोगी ग्रुप में साथ दिया है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पूनम चंद की जो गवाही है, आई विटनेस है, इसके अलावा जो शेरा राम और मांगीलाल है, इसके अलावा जो एक पोस्टमार्टम में एक्सपर्ट डॉक्टर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रही है जिसमें माथुर और अन्य, और साथ में जो डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर जीबी राव है, इन सभी का जो इन्होंने अपने बखूबी अनुभव के साथ में जिस तरह से प्रोसिक्यूशन के जो गवाह है उन्हें एग्जामिन करवाया, क्योंकि 51 के करीब गवाह थे उसमें से 28 को एग्जामिन करवाया गया, उसमें से एक भी गवाह हॉस्टाइल नहीं था, और जो गवाह परीक्षित करवाए गए इनके द्वारा न्यायालय में वो पूर्ण रूप से खड़े उतरे, वो कहीं से भी अभियुक्त द्वारा, एक उनके पास लंबी चौड़ी टीम थी, बहुत से अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और बड़े एक्सपर्ट अधिवक्ता, उनके बावजूद वो गवाह अपने स्थान पे कायम रहे, चाहे वो पुलिस के गवाह थे, वन विभाग आज के इस फैसले को देख रहे हैं। भाटी सर, मैं आपसे एक सवाल ये भी समझना चाहूंगी, आर्म्स एक्ट का जो केस था और आर्म्स एक्ट में जो राइफल या जो बंदूक सलमान खान के कमरे से मिली थी उसी केस में उन्हें बरी कर दिया गया, और ये वही हथियार था जिसका इस केस में, काले हिरण के शिकार केस में इस्तेमाल किया गया था। इसकी टेक्निकलिटी मुझे आपसे समझनी है, लेकिन एक बार हम रुख जो है इस वक्त सेंट्रल जेल का भी कर लेंगे। हमारे संवाददाता शरत वहां पर मौजूद है। शरत, सलमान सलाखों के पीछे पहुंच गए, तस्वीर डीआईजी के साथ भी उनकी दिखाई दे रही है, क्या इंतजाम और अब आज की रात सलमान खान की कैसे होने वाली है?
मीनाक्षी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सलमान खान के फैंस हैं वो काफ़ी देर से कह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दीजिए। सलमान खान जब जब जोधपुर में जेल में आए हैं तो जेल में किस तरह से उन्होंने गुजारा है वो सब अब तक इन्होंने तैयार कर रखा है। ये देखो, ये अपना बनियान पहन के जेल से बाहर आए थे सलमान खान। ये हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान खान जब यहाँ थे तब का है, ये सलमान खान उस वक्त के हैं। और उसके बाद जब ये शिकार में जब ये उस गांव का है जहाँ पर शूटिंग हुई थी, बिश्नोइयों का वो भी गांव था। इसी तरह से जब ये पकड़े गए थे सलमान खान, उस वक्त भी इनका इस तरह से किस तरह से एक सलमान खान, जैसे मीनाक्षी हम लोग बात कर रहे थे कि पहले के सलमान कैसे थे, ये तेवर दिखाता है कि सलमान खान कैसे थे। बनियान में जेल से निकलते थे, टी शर्ट खोलते थे, बाहर घूमते थे। तो एक फैंस है जो इन्होंने पूरा अब तक का, ये कैटरीना कैफ जब जेल में मिलने आई थी उस वक्त की तस्वीर है, सलीम खान जब आए थे कोर्ट से निकलते हुए सलीम खान के हैं। तो कई सलमान खान के फैंस हैं जो इस तरह की अपनी यादें इकट्ठा किए हुए हैं। लेकिन जेल की बात बता दूं मीनाक्षी की, डेढ़ नंबर बैरक में सलमान खान को रखा गया है। एक और दो नंबर का जो बैरक है हाई सिक्योरिटी जोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन जोधपुर में बहुत ही पॉपुलर बैरक है डेढ़ नंबर के नाम से जाना जाता है। डेढ़ नंबर जो कन्विक्टेड है और हार्डकोर अपराधी है उनसे दूर एक हाई सिक्योरिटी जोन का जो बैरक है उसमें रखा गया है। और सोने के लिए कंबल दिया जाएगा। शाम को ये 5 बजे निकलेंगे, जब आसाराम इसी बैरक में है तो उनसे बातचीत होगी। चाय के वक्त थोड़ा सा निकाला जाता है तो ये बातचीत करते हैं। शाम को दाल रोटी और सब्जी है, देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये खाना। तो एक जेल के जो रूटीन है उनमें ढलना होगा। और सलमान खान के फिलहाल की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आज तक पे दिखा रहे हैं वो दिखाता है कि जेल सलमान खान जेल में आते आते कुछ अभ्यस्त से हो गए हैं। देखिए कुर्सी पर किस तरह से पैर फैला के आराम से बैठे हुए हैं और डीआईजी से बात कर रहे हैं। तो उनको लगता है, जैसे कि सरकारी वकील ने कहा कि सलमान इज हैबिचुअल ऑफेंडर, उस तरह सलमान खान इस सेंट्रल जेल में 4 बार आ चुके हैं और इसमें 18 दिन गुजार चुके हैं। तो उनको लगता है कि कुछ अपना सा है इसलिए इतना रिलैक्स है। हाँ, कोर्ट में जरूर जब यह फैसला आया था तो दोनों बहनें अर्पिता और अलीरा रो रही थी, उस वक्त सलमान ने दोनों को संभाला था। लेकिन फिलहाल सलमान अंदर हैं और उन्हें बैरक अलॉट कर दिया गया है, डेढ़ नंबर बैरक में वो चले गए हैं। शाम की चाय उनके पास जाएगी, पिए न पिए शाम का खाना जाएगा इनको इनके पास। अब सलमान खान के पास कल दिन में 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि सेशन कोर्ट में बेल पर सुनवाई होगी। लेकिन आपके साथ जो वकील हैं वो बताएंगे कि इतिहास कहीं अपने आप को दोहरा न दे। यही थर्सडे का दिन था मीनाक्षी जब पिछली बार उनको 5 साल की सजा हुई थी। पास लौटूंगी, इस वक्त हमारे साथ बिग बॉस के कंटेस्टेंट आकाश गडलानी भी मौजूद है। लौटूं शरद आपके पास। आकाश गडलानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आकाश, आपने बिग बॉस के शो में हिस्सा लिया और इस तरह से शो में हिस्सा लिया कि कई बार आपकी कई एक्टिविटीज विवादों में भी दिखी। सलमान के साथ आपके कई कॉन्वर्जेशन थे जिन्होंने सुर्खियां भी बटोरी। आज जब उन्हें सजा हुई है, किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? बहुत एक सैड मोमेंट है। और जब ये न्यूज़ में आया था, मेरी मॉम को जब भी पता चला, मेरी मॉम बहुत रो रही थी। हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट है सलमान सर के लिए, क्योंकि हम बचपन से देख के आ रहे हैं उनको। और मैं बहुत सैड हूँ डेफिनेटली। और आई होप सब कुछ ठीक हो जाए, सलमान भाई एकदम फ्री हो जाए और कुछ प्रॉब्लम नहीं आए उनके पास, बिकॉज इंडिया लव सलमान एंड आई लव सलमान खान, ही इज़ अ ग्रेट मैन। जो इस वक्त आकाश कह रहे हैं, बॉलीवुड के कई और हस्तियों की तरफ से भी इस तरह की आवाज, इस तरह का स्टेटमेंट सुनाई दिया है। सलमान को हम प्यार करते हैं, उनके साथ हम खड़े होते हैं, ये बातें बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से कई और लोगों ने भी बोली हैं। सुशांत मेहता भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। सुशांत, जो बात आकाश डिडलानी ने इस वक्त कही, आप और हम जब यहां कवरेज भी कर रहे थे कोर्ट के बाहर, हमने देखा बहुत से फैंस भी आए थे जिनकी सिर्फ ये उम्मीद थी कि सलमान की एक झलक मिल जाए और वो सजा का सामना उन्हें ना करना पड़े, दोषी वो साबित ना हो। लेकिन ये जो साल 2018 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सलमान खान के लिए था क्योंकि एक गोल्डन पीरियड में वो इस वक्त काम कर रहे हैं, कई बड़ी फिल्में आने वाली थी। लग रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स अब बीच में लटक गए हैं। मीनाक्षी, अभी भी सलमान खान की गाड़ी जिसमें वो आए थे, अगर मैं आपको बताऊं, वो यहाँ पे आई है। कोई अंदर उनसे मिलने जाने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई है। फैंस, रिपोर्टर्स सारे देख रहे हैं गाड़ी में कौन है, क्या उनके लिए कुछ सामान लेके जा रहे हैं, क्या उनसे मिलने जा रहे हैं, क्या बातचीत होगी। जब वो निकल भी रहे थे सलमान खान को छोड़कर, तब भी बोल रहे थे हम, जैसे कि सेंट्रल जेल के बाहर है जोधपुर के, कि हम वापस आएंगे सलमान से मिलने। तो अभी अथॉरिटी से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो मेरे ख्याल गाड़ी घुमानी होगी। इसी गाड़ी में बैठकर सलमान खान को अंदर ले जाया गया था, बहुत सारी जिप्सीज भी थी। जहां तक आपने बात करी बिजनेस की, बॉलीवुड की, बहुत बड़ा झटका है बॉलीवुड को। याद रखिए, रेस 3 90% कंप्लीटेड है, लेकिन पूरी 100% कंप्लीट नहीं हुई है। अब गाड़ी मेरे पीछे से ही जा रही है, अगर हम देखें, ये सलमान के साथ के थोड़े साथी थे और अब बहुत सारी भीड़ भी निकलेगी।
क्योंकि ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं देखने के लिए सलमान को, और अभी तक कड़ी धूप में भी खड़े हुए थे सलमान का एक ग्लिम्स देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडस्ट्री की बिजनेस की बात हो, आप दबंग 3 देखें, वो आने वाली थी प्रभुदेवा के साथ, आप देखें कि रेस 3 आने वाली थी, छोटे पर्दे पे वो आने वाले थे अपना 10 का दम वापस लेके, सबसे पॉपुलर शो मैं बिग बॉस को नहीं मानता हूं सलमान खान का, जो उनकी बैंग बिग बैंग स्टार्ट हुई थी छोटे पर्दे पे वो हुई थी 10 का दम के साथ, 100 करोड़ का मेरे ख्याल धंधा 10 के दम पे भी लगा हुआ था, हमने एक एस्टिमेट लगाया था जो कि बहुत नीचा फिगर था अराउंड 500 करोड़ का, लेकिन सलमान खान का जो कद अब हो चुका है, बजरंगी भाईजान आमिर खान ने जैसा जलवा बिखेरा चाइना में, वैसे ही बजरंगी भाईजान चाइना में गई 200 करोड़ करती है। यहाँ पे आंकड़े जो हैं बहुत ही बड़े हैं, जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है अगर सलमान जेल जाते हैं वो बहुत ज्यादा है प्रोड्यूसर्स के लिए, सलमान खुद प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत बहुत बड़े आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, 1000 करोड़ भी क्रॉस हो सकता है अगर सलमान ज्यादातर जेल में रहे। लेकिन जैसा हमने बोला, इसकी आशा कमी है उनके फैंस को भी और उनके काउंसिल को भी, उनके वकील ने ही बोला है कि हम आश्चर्यचकित हैं कि कैसे ये स्टेटमेंट आ गया, स्पेशली बिकॉज को क्यूज जो थे वो सारे छूट गए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आज, और उनकी फिल्मों के बारे में बहुत नारे भी लगे पहले थोड़ी देर पहले कि टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, वैसे ही हमने देखा पोस्टर्स भी थे, जैसे शरद अभी आपको दिखा रहे थे, लेके आए हुए थे फोटोग्राफ्स उनकी, तो डेफिनेटली सलमान खान की जो फिल्म वगैरह है वो तो बहुत ही पॉपुलर है और उसको कोई नकार नहीं सकता, बिजनेस के लिए भी नंबर वन है सलमान खान, तो बिजनेस को तो बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर सलमान लंबे समय के लिए जेल में जाते हैं। जेल में लेकिन वो जा चुके हैं, और अब क्या कल का दिन उनके लिए कोई उम्मीद लेकर आता है यह हमें देखना होगा। हमारे साथ सरकारी वकील भाटी जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, कल के दिन से अब क्या उम्मीदें होंगी? कल के दिन के लिए केस संबंध में तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, उसमें अपील इन लोगों ने पेश की है, अब अपील की सुनवाई कब होगी, कल होगी या नहीं होगी, वो तो जो माननीय कोर्ट द्वारा, उसके लिए हम कल के दिन का इंतजार करेंगे। लेकिन आज एक बात जो दलीलों में सामने आई, सलमान को ये कहा गया कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये उनकी आदत में शुमार है, और हमने देखा कि जिस तरह से जज ने फैसला भी दिया, क्योंकि लगातार कयासों का दौर ये चल रहा था कि क्या 3 साल से कम सजा होगी, क्या सलमान को राहत मिल जाएगी या 3 साल से ऊपर सजा होगी, लेकिन बहुत सख्त सजा के तौर पर ये फैसला सामने आया। देखिए, जो सलमान खान के विरुद्ध पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो 4 मामले यहाँ दर्ज थे, आर्म्स एक्ट का मामला था, वाइल्ड लाइफ एक्ट के 2 मामले अलग थे, ये वाइल्ड लाइफ एक्ट का मामला है, बॉम्बे में हिट एंड रन का केस था, तो ये जो अक्यूज सलमान खान है उसके कंडक्ट को दर्शाते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए नहीं, आपने उनका कंडक्ट इन केसेस के आधार पर तो देखा, लेकिन जो उनके लॉयर्स की तरफ से ये दलील दी गई कि सलमान का सामाजिक सरोकारों से वो जुड़े हुए हैं, वो कई बीमार बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनका एनजीओ कई सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बहुत सा पैसा है जो उनकी फिल्मों के जरिए या उनके किसी चैरिटी इवेंट के जरिए चैरिटी में पैसा जाता है, आपको नहीं लगता कि एक व्यक्ति जो पिछले 5 से 6 सालों के दौर में इस तरह से बदल कर और मेच्योर होकर दिखा है, ये दलील भी कंसिडर होनी चाहिए थी? देखिए, जो सोशल, अगर आप कोई काम करते हो लेकिन आपने जैसे कोई एक्ट किया है, ऑफेंस किया है, आप ऑफेंस करते जाओ और फिर सोशल एक्ट करते जाओ, तो उसका जो है उस पर कानून की नज़र में उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे बता देता हूँ। आपने जैसे उनके एडवोकेट ने ये दलील दी कि ये सलमान खान अभी सामाजिक कृत्य काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो सलमान खान ने किया वो 98 में किया है, उसके बावजूद आज दिन तक जो जैसे हाईकोर्ट से एक्ट लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में SLP लीव टू अपील ग्रांट हो चुकी है, तथा आर्म्स एक्ट में जो बरी किए गए वो जिला एवं सेशन न्यायालय में स्टेट की अपील ग्रांट हो रखी है, लीव ग्रांट हो गई है, तो अभी टिल उनको ये फाइनल कहीं पे नहीं निर्णय मिल गया है कि सभी केसों में बरी हो चुका है। दूसरा, जो रन एंड हीट के मामले में भी, क्योंकि एक इस तरह का यदि अपने आप को अभिनेता और सुपर स्टार कहता है तो उसके 5-5 केस उसके खिलाफ है, वाइल्ड लाइफ जैसा वन और पर्यावरण मंत्री का संबंधित जैसे अपराध उसने किए हैं, तो कोई भी सेलिब्रिटी जिससे एक समाज संदेश लेता है, वो अच्छा काम करता है तो उसके पीछे सारा समाज, देश और उसको अग्रसर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कोई यदि सेलिब्रिटी अपने आप को सेलिब्रिटी कहता है और इस तरह के करता जिसने कानून ने उनको सजा दी है, निश्चित तौर पे ये कोई उसके साथ सिंपैथी नहीं हो सकती, और यही न्यायालय ने माना है कि उसके साथ सिंपैथी नहीं होती, इसलिए कठोर सजा दी गई है। अब जिस बात का जिक्र सरकारी वकील भी कर रहे हैं और साथ ही बिश्नोई समाज से भी जो वकील हैं वो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वन्य जीवों के संरक्षण
सशक्तिकरण के लिए जो कानून है उन्हें लेकर क्या वाकई गंभीरता से हम सभी एक समाज के तौर पर सोचते हैं या नहीं? अगर एक काला हिरण मारा गया है और इसलिए भी ये बात खास हो जाती है क्योंकि ये लुप्त होने वाली प्रजातियों के तहत आते हैं, तो क्या उन्हें लेकर समाज की या जो पर्यावरण की जिम्मेदारी संभालते हैं उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? ऐसे में अगर एक व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है तो उसे लेकर इतनी हाई तौबा क्यों हो रही है? सीधे सीधे यहाँ से लॉयर्स की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश हुई। लेकिन शरद, आप भी जब हमारे साथ आज पूरे दिन भर यहाँ पर मौजूद थे कवरेज के दौरान, सलमान खान का बॉडी लैंग्वेज बीते सालों में इन्हीं केसेस के दौरान जो रहा है उससे बहुत बदला हुआ दिखाई दिया। ये बदलाव एक मैच्योरिटी भी दिखा रहा था, ये बदलाव ये भी दिखा रहा था कि क्या इन घटनाओं से लेसन्स लेकर या इसे एक बुरे वक्त के तौर पर भुलाने की भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वक्त ने फिर भी उनका साथ नहीं दिया और न्याय प्रक्रिया के तहत वो आज दोषी पाए ही गए। जी मीनाक्षी, आपके उसी सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था जब फैंस फोटोग्राफ लेकर आए थे, किस तरह बनियान में वो जेल से निकलते थे, टी शर्ट खोल के फेंकते थे, धक्का मुक्की करते थे, इस तरह की रोज हेडलाइन बनती थी जब जोधपुर आते थे। लेकिन जब सलमान खान आज जब अपनी गाड़ी से उतरे तो देखे वो सलमान खान कैसे थे, नजरें झुकाए हुए, बिल्कुल गंभीर, मीडिया की तरफ देखा भी नहीं और सीधे कोर्ट के अंदर चले गए। ठीक उसी तरह से कल रात को जब वो स्विमिंग पूल में करीब 1 बजे थे और हम उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे तो उनके गार्ड ने आके हमारे साथ रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई झगड़ा नहीं किया, पहले हमेशा गार्ड झगड़ा करते थे। तो एक बदलाव तो उनमें है, उस बदलाव की ही बदौलत है कि आप जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि जेलर इस तरह से जो DIG हैं वो अपने कमरे में उनको इतना रिलैक्स ढंग से बैठाए हुए हैं, तब के सलमान और अब के सलमान में आसमान ज़मीन का अंतर आ गया है। 2006-07 में एक बैड बॉय की इमेज के रूप में सलमान खान बॉलीवुड में थे और आज के सलमान एक बड़े स्टार के रूप में हैं, बड़े दिलवाले के रूप में, फैमिली मैन के रूप में, पता नहीं उनकी इमेज एक पूरी मेकओवर हो गई है उनकी इमेज की, तो उसको एक कैरी करते हैं, उसका असर कहीं दिखता है कि उस तरह से एक सलमान खान के प्रति एक सहानुभूति पनप जाती है लोगों में। लेकिन शरद, मैं यहाँ पे आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस ये मेकओवर की बात हो रही है या इमेज के बदलाव की बात हो रही है, ये बदलाव एक स्ट्रैटेजी के तहत है कि केसेस में इसका फायदा मिल सके या वाकई ये हकीकत में दिखाई देता है? ये सवाल इसलिए अहम क्योंकि यही सलमान खान है जिनको हमने देखा था देर रात ट्वीट करते हैं याकूब मेमन की फांसी में, जिसमें वही ये लिखकर कहते हैं कि फांसी तो टाइगर मेमन को होनी चाहिए थी, सजा उसको मिलनी चाहिए थी। या हम देखते हैं कि जब वो सुल्तान फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, महिलाओं को लेकर उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि शूटिंग के बाद मुझे ऐसा लगता था कि किसी औरत के साथ बलात्कार होता हो, उस तरह की ये भावना थी। तो इन स्टेटमेंट्स को बहुत ही गलत तरीके से और विवादों में ये स्टेटमेंट्स गिरे हैं और इन्हें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं माना गया है। तो यही वो सलमान खान है जो एक छवि में कुछ अलग दिखाई देते हैं, दूसरी छवि में कुछ और दिखाई देते हैं। चलिए आपके पास लौटेंगे शरद, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन यही कॉन्ट्रोवर्सीज कैसे सलमान खान की छवि को बार बार बदलती रही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये है जोधपुर कोर्ट, अदालत ने आज सलमान खान को सजा सुनाई है और 5 साल की सजा सुनाई गई है, इसके साथ जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। लेकिन कल का दिन क्या कुछ उम्मीदें लेकर आएगा ये देखना होगा क्योंकि कल उनकी बेल पर सुनवाई होगी। लेकिन ब्रेक से पहले जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, सलमान खान जिनकी शुरुआती दौर में इमेज एक बैड बॉय की थी, एक ऐसे एक्टर की थी जिसे बहुत गुस्सा आता है, जो पब्लिक में किस तरह से बिहेव करता है, तमाम सवालों में उनका ये बिहेवियर रहता था, लेकिन उससे उसके अलावा और किस किस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज में सलमान इससे पहले भी घिरे हैं, इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है और ये रिपोर्ट देखनी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आज के दौर में जब उन्हें सजा हुई है और जब उनके अच्छे बर्ताव की बात और दलील उनके वकील अदालत के अंदर देते हैं तो इन कॉन्ट्रोवर्सीज पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। सलमान को थोड़ा इनजस्टिस हुआ है, बुरा लग रहा है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री ने इतना सारा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ। We are all depressed at Bollywood. मैं तो बहुत disappointed हूँ। सलमान खान हिंदी सिनेमा के बड़े अभिनेता हैं, इसलिए जोधपुर की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई तो उनके समर्थन में कई सुर सुनाई पड़े। लेकिन ये वो सलमान खान है जिनकी इमेज कभी बॉलीवुड के बैड बॉय की थी और इसकी वजह ये थी कि वो कभी वन्य जीवों के शिकार के कानूनी पचड़े में पड़े तो कभी को-एक्टर्स और पत्रकारों से बदसलूकी के मामलों को लेकर घिरे। सलमान खान के खिलाफ शिकार के मामलों की बात करें तो पहला मामला 2 काले हिरणों का शिकार का है जिस पर गुरुवार को जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा जोधपुर के भवाद में चिंकारा के शिकार मामले में उन्हें निचली अदालत से सजा हुई लेकिन हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया।
अब राजस्थान सरकार की अपील पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जोधपुर के घोड़ा फार्म में दो हिरणों के शिकार के मामले में भी निचली कोर्ट से सलमान को सजा हुई, जिसे हाई कोर्ट ने पलटा, लेकिन ये मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट में है। विश्नोई समाज ही नहीं, वन्य जीवों और वाइल्ड लाइफ से प्रेम रखने वाले सभी लोगों में इस बात की खुशी है कि माननीय न्यायालय का जो निर्णय हुआ है, ये निर्णय स्वागत योग्य है कि कोई व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए इस अनमोल धरोहर वाइल्ड लाइफ को और एनवायरमेंट के साथ जो खिलवाड़ करता है, उनके साथ इस तरह की सजा का प्रावधान होना चाहिए। सलमान खान चौथी बार जेल गए हैं। सबसे पहले 1998 में सलमान काले हिरण शिकार के मामले में ही 5 दिन तक जेल में रहे थे। 2006 में भी घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में 6 दिनों तक वो जेल में थे। 2007 में भी उसी मामले में सलमान को 6 दिन की जेल हुई थी। रौनक व्यास के साथ शरद कुमार, जोधपुर आज तक। तो कैसे कंट्रोवर्सीज के साथ सलमान का चोली दामन का साथ रहा है वो आपने देखा, लेकिन इस वक्त आपको सीधे मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हुसैन मौजूद हैं, उनके पास लेकर चलते हैं। सिद्धार्थ, बड़ी बात ये कि परिवार को लेकर हम अक्सर ये देखते रहे हैं कि एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम के तौर पर सलमान के साथ हमेशा खड़ा दिखाई दिया, चाहे वो उनकी बहनें हों जो उनसे पहले हमेशा अदालत पहुंचती थी, उनके वकीलों से बात करना हो, केस से जुड़ी जानकारियां जुटाना हो, उनके पिता सलीम खान जिस तरह से हमेशा सलमान के लिए किसी भी मुश्किल भरी स्थिति में आगे आके खड़े होते थे, सपोर्ट करते थे, लेकिन आज किसी का सपोर्ट काम नहीं आया और सलमान जेल के पीछे पहुँच चुके हैं। फैंस मौजूद हैं क्या बाहर या घर के अंदर अभी कोई और लोग मौजूद हैं? किस तरह की इस वक्त वहां पर बेचैनी आप देख रहे हैं? इस वक्त देखिए मीनाक्षी, ऐसा है कि तकरीबन परिवार के कुछ लोग ज़रूर मौजूद हैं अंदर, और सुहेल खान हैं यहाँ पर अंदर हैं इस वक्त, अरबाज खान अंदर मौजूद हैं, सलीम खान मौजूद हैं, और बाकी के कुछ और जो उनके कज़न्स हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई रابطہ नहीं है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और बाहर फैंस का जमावड़ा है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमेशा होता है जब भी हम यहाँ कवरेज के लिए आते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, सब बेहद दुखी हैं, और ये ज़रूर है कि हमेशा से खान परिवार एक साथ जुट रहा है। सुहेल खान की पत्नी भी अभी कुछ वक्त पहले वहाँ पर पहुँची थी, सीमा खान, तो जाहिर है परेशान हैं। और अंदर की बात यह है कि पता ही अब ये प्लानिंग हो रही है कि अरबाज और सुहेल जो हैं वो जोधपुर जाएंगे या वो नहीं जाएंगे। फिलहाल ये है, वो अब कल के ऊपर ही निर्भर करेगा कि भाई जो हैं वो बाकी क्या फैसले लेंगे आगे। ठीक है, लौटती हूँ सिद्धार्थ आपके पास। महिपाल बिश्नोई जी भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। महिपाल जी, हमने सलमान के कई फैंस की बातें सुनी, हमने बॉलीवुड के कई उनके साथियों की बातें सुनी या जो उनके शुभचिंतक हैं उनकी बातें सुनी। उनका ये कहना है क्योंकि सलमान इतने बड़े स्टार हैं इसलिए उनके इस केस को लेकर इतनी सुर्खियां बन रही हैं, इसी वजह से एक जल्दबाजी सी दिखाई दे रही है सोसाइटी के अंदर कि हर कोई चाहता है कि सलमान जेल जाएं, लेकिन उनके सिर्फ जेल चले जाने से क्या होगा? क्या वन्य जीवों के अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए इससे कोई क्रांति आ जाएगी? कॉन्विक्शन रेट जो इतना कम है ऐसे केसेज में, सिर्फ एक सलमान को सजा मिलने से क्या उस मकसद में कामयाबी हासिल होगी? मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो भी इनके साथ में सहयोग कर रहे हैं, जैसे फिल्मी अभिनेता और है, मैं बता देना चाहता हूँ शायद उनको इस केस के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है या कानूनी दलीलों का उनका पता नहीं है, इसलिए वो एक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं कि वो एक ही छत्र से इसलिए इस तरह की बातें करें। निश्चित तौर पर बता दूँ कि न्यायपालिका ने जो निर्णय किया है, सभी तथ्यों को देखते हुए, बार बार सलमान खान की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे, पुलिस अधिकारी मिले हुए हैं, वन विभाग के अधिकारी मिले हुए हैं, बिश्नोई ने फंसा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से बिश्नोई सलमान खान से पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी थी? कब उनका काम पड़ा सलमान खान से कुछ हुआ? या वन विभाग के अधिकारी जो ललित बोड़ा, उनका कब व्यक्तिगत कोई उनसे दुश्मनी थी? या पुलिस अधिकारी, उनके क्या दुश्मनी थी जो इनको गलत तरीके से फंसाएंगे? और सलमान खान ऐसा कोई आदमी नहीं है जो एक गलती करे। सलमान खान एक आदमी को मार देता है, उसमें न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया हम उसका स्वागत करते हैं। उसके पश्चात एक के बाद एक लगातार 3 शिकार किए, उसमें जो सजा हुई दो दो कोर्ट की उनके खिलाफ रही, लेकिन न्यायपालिका, उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया, वो उनको फायदा मिला। लेकिन आज जब वापस दिया, आज न्यायपालिका ने निर्णय दिया और 5 साल की कठोर सजा दी, तो वही लोग वापस उठ के आ गए, साहब सलमान खान सेलिब्रिटी है। तो ऐसा क्या सेलिब्रिटी है सलमान खान ने, ऐसा कौन सा बड़ा योगदान देश या समाज के लिए दिया है
जिसके पीछे उनको याद किया जाए। एक सलमान खान जो कानून वन और पर्यावरण जो आज की तारीख में विश्व में सबसे बड़ी आवश्यकता है उसका उल्लंघन करता है, और मैं पूछना चाहता हूं लोगों से, वो लोग उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। कम जो न्यायपालिका ने निर्णय दिया उन न्यायपालिका के निर्णय का आदर किया जाना चाहिए, ना कि ये कि वो सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी है, इस बहाने वो बार बार न्यायपालिका से फायदा लेता रहे, ये उचित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दलील है जो विश्नोई समाज की तरफ से दी गई, और 20 साल लंबी लड़ाई, तो इसलिए यहाँ पर इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। विश्नोई समाज जिसने 20 साल ये लड़ाई लड़ी, इस लड़ाई का मतलब उनके लिए क्या था? प्रकृति प्रेमी है, उनकी परंपराओं में उनके ट्रेडिशन में प्रकृति को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, ये अपने आप में सोचने और समझने का विषय है। अब मैं चाहूंगी कि अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे करेक्ट भी करें इस बात पर, लेकिन कई लोगों से हमने बात की, उनका ये तक कहना था कि हिरण के बच्चे अगर मिलते हैं तो उन्हें घर में विश्नोई समाज अपने घर में किसी बच्चे की तरह ही पालता है, महिलाएं कई बार उन्हें दूध तक पिलाती हैं। तो एक समाज जो इस तरह की सोच रखता है उसके लिए लड़ाई कितने मायने रखती है, यहां से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त बिग बॉस के कंटेस्टेंट आकाश डडलानी भी मौजूद हैं। आकाश, ये बातें आपने भी सुनी होंगी, और आपकी फ्रटर्निटी यानी फिल्म फ्रटर्निटी की तो मैं बात कर ही रही हूं, लेकिन सलमान के कई शुभचिंतकों का भी ये कहना था कि सुपरस्टार होने का खामियाजा सलमान खान उठा रहे हैं, इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखो, जब भी कोई सेलिब्रिटी होता है आपको पता ही है मीडिया हमेशा रहती है और बहुत आंखें उनके ऊपर रहती है। अभी मैं बोल भी क्या सकता हूँ, मैं बस एक फ़ैन हूँ और वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया था बिग बॉस में, जैसे आप जानते ही हो, मेरे लिए वो बड़े भाई जैसे और बहुत अच्छे हैं, और जो उनके साथ हो रहा है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि गलत हो रहा है। आई थिंक आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए। लाइक आई सेड, मेरा इतना ही है कि सलमान भाई इज़ अ वेरी गुड गाय एंड व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इज़ ये बात हम समझना चाहते हैं। गलत हो रहा है, गलत क्या हो रहा है? न्याय प्रक्रिया के तहत ये एक फैसला हुआ है। जब ही हुआ था ये जो सिनारियो है, तभी होपफुली एलोन को ख़त्म करना चाहिए था। एलोन ने इतने साल को प्रोलॉन्ग किया है और अभी इतना दूर तक लेके आ गए हैं, पहले ही सब कुछ ख़त्म करना चाहिए था। और एलोन ने बहुत स्ट्रेच किया है जो उनको और उनकी फैमिली को भी बहुत ट्रबल दिया होगा। So that's what's wrong, I think. ये किसी भी कोर्ट केस का एक मानवीय पहलू हो सकता है कि परिवार जिस तनाव से गुजरता है, या अगर वो केस 20 साल लंबा चलता है और 20 साल के बाद भी कोर्ट से ये फैसला आता है जिसके बाद आपके पास आगे के विकल्प भी खुले होते हैं, तो ये न्याय प्रक्रिया और उसमें जो कमियां हैं उससे जुड़ा एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन सिर्फ सुपरस्टार होने के नाते किसी को सजा ना मिले, ये वाकई कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे साथ विश्नोई समाज के वकील थे वो भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दंगल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन हम फौरन लौट रहे हैं, इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए आज तक, और दंगल में अब सीधे हम रुक करेंगे सेंट्रल जेल का, जहां पर सलमान खान इस वक्त मौजूद है, उन्हें सजा सुना चुका है कोर्ट। हमारे संवाददाता शरद इस वक्त वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शरद, दो बातों के साथ मैं चाहूंगी कि इस शो को हम कॉन्क्लूड करें। सलमान खान सुपरस्टार होने की वजह से क्या टारगेट हो रहे हैं, जैसा उनके फैंस और उनके शुभचिंतक आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी बात ये कि क्या कल का दिन जो कि बहुत अहम रहने वाला है, जमानत में रियायत मिलने की कोई उम्मीद की जा सकती है? मीना की, थोड़ा सा मैं दो मिनट लूँगा अपडेट देने के लिए। सलमान खान के मैनेजर और शेरा यहाँ पर गए हैं और शेरा सामान देकर निकल गए हैं, दवाइयाँ तौलियाँ टी शर्ट और शॉर्ट सलमान खान के पहुँचा दिए गए, उनको दे दिया गया। सलमान खान आज जेल का ड्रेस जो है वो नहीं पहनेंगे। ये चार चीज़ें ताज विवांता के पैकेट में जिसे हमने अपने कैमरे में कैद किया वो लेकर गए थे, देकर चले गए हैं। दूसरी बात रहा, ये आपकी बात सही है, स्टारडम का वो चुका रहे हैं जो कीमत होती है, क्योंकि राजस्थान में मैं इतने सालों से रह रहा हूँ, देखता हूँ कि हिरण शिकार होते हैं और छूट जाते हैं मुजरिम, लेकिन सलमान खान को झेलना पड़ रहा है। चलिए अभी वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन सलमान खान से जुड़ी इस बड़ी खबर पर दंगल का यह विशेष एपिसोड आप देख रहे थे जोधपुर से। एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी आज तक पर जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।